नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे जो मैच है पाकिस्तान PSL का 2021 का, जो दुबई शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा शाम के 6:30 बजे, KOE वर्सेस पेशावर ड्रीम 11 टीम, तो इसके हम एनालिसिस करेंगे थोड़े से कि कौन सा इसका कैप्टन होना चाहिए, कौन सा वाइस कैप्टन होना चाहिए। इसमें मैं आपको GLs टीम्स दूंगा, GLs आप लगा सकते हो। आजकल तो लिमिटेड नहीं, आजकल तो 20 टीमें आप लगा सकते हो एक ID के साथ। तो GL जीतना भी आसान है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो फिर भी हम कोई कम्बिनेशन बनाएंगे ऐसा जिससे कि लगे कि हम जीत सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आप अपलोड हो आप उसको देख सकें। अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से अच्छी वीडियो बने, टीम में आपको बेनिफिट हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो टॉस होगा, तकरीबन 6 बजे के करीब बुक किया जाएगा। 6:30 बजे टाइमिंग है मैच स्टार्ट होने की। वेन्यू की बात करें तो शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी है, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो क्योटा ग्लैडियटर्स के उस्मान खान, फाफ डु प्लेसी, जैक वेदरलैंड, सरफराज अहमद, अजम खान, एंड्रू रसल, मोहम्मद नवाज़, जायद महजूद, मोहम्मद हसन, नसीम शाह और जैक वेदरलैंड। और पेशावर की बात करें तो कमरान अकमल हैं, इमाम उल हक हैं, हैदर अली हैं, शोएब मलिक हैं, डेविड मिलर हैं, सैफ्रॉन रदरफोर्ड हैं, वहाब रियाज हैं, फैबिन एलन हैं, उमेद हसीफ है, मोहम्मद इरफान और रवन पोवल हैं। लेकिन सभी प्लेयर्स अच्छे हैं, टीमें दोनों अच्छी हैं, एक चौथे नंबर पे है। चलिए देखते हैं अभी टीम कम्बिनेशन इसके हिसाब से कि टीम कैसे बनाएं, ठीक है। GLs के लिए देखेंगे सबसे पहले हम कि GL की टीम कैसे बने। मैंने एक टीम बनाई हुई है, इसमें आप देख सकते हो। मैंने टीम शोएब मलिक को मैंने कैप्टन बनाया हुआ है। यहाँ पे सरफराज अहमद को लिया क्योंकि GL है वो रिस्की कम्बिनेशन है। फाफ डु प्लेसी को लिया, शोएब मलिक को लिया हुआ, जैक वेदरलैंड को लिया हुआ है, रसल है, फैब एलन है, मोहम्मद नवाज हैं, ठीक है, फैब एलन हैं, मोहम्मद नवाज हैं, एंड्रू रसल लिए हैं, इनको लेना ही पड़ता है। ये कभी भी टॉप ऑर्डर में आ सकते हैं, बॉलिंग भी कभी करवा सकते हैं। बहाव राज के इस टाइम दिन अच्छे चल रहे हैं तो इनको लेना ज़रूरी है। तो ये लिए हैं, मोहम्मद इरफान है, यहाँ से आप मोहम्मद इरफान की जगह कोई और प्लेयर ले सकते हो। और मोहम्मद हसन, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं ये प्लेयर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने कम्बिनेशन बनाया। चलिए हम सेकेंड कम्बिनेशन बनाते हैं कि सेकेंड टीम हमारी कैसी होनी चाहिए। अब मान के चलिए सबसे पहले कि मैच है क्योटा ग्लैडियटर्स के बीच और पेशावर के बीच में, तो पेशावर ने सबसे पहले टॉस जीत लिया, तो पेशावर की बॉलिंग आ गई, ठीक है। टॉस जीत के उसने बॉलिंग की क्योंकि ओस का भी बहुत फैक्टर रहता है यहाँ पे, तो वहाँ पे है गर्मी दुबई में, तो नेचुरली है वहाँ पे ओस तो आएगी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, पेशावर की बॉलिंग आ रही है तो पेशावर चाहेगी कि मैं पहले बॉलिंग करूँ और मैं अपने टारगेट के हिसाब से चलूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं बॉलिंग सेक्शन में सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ से इसके बॉलर सेलेक्ट करूँगा पेशावर के। तो मान के चल रहे हैं आपकी पेशावर के हमने बॉलर लगे बहाब रियाज को ले लिया, ठीक है। उसके बाद यू आसिफ जो अच्छे प्लेयर हैं। फिर पेशावर का अगर आप देखो इरफान की देखिए सिलेक्शन देखिए यहाँ पर मोहम्मद इरफान की, तो 28% है, बढ़ जाएगी 30-35-40 तक होगी, लेकिन प्लेयर ज़्यादा होने के अगर अब हम हसन की क्योटा ग्लैडियटर्स के 72 हैं तो हमें सब कुछ देख के चलना है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ से पेशावर के ले रहे हैं, तो पेशावर के हमने 3 ले लिए। फिर हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाएंगे, पेशावर का देख लेंगे। यहाँ पे फेबिल एलन है, ये बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो ये अच्छे बॉल एक हमारे लिए ऑलराउंडर सेलेक्ट होंगे। तो पेशावर का रवन पोवल भी हैं, तो ये बैटिंग में इनको कभी भी प्रमोट किया जा सकता है। जैसे ये रसल हैं वैसे ही इनकी बैटिंग हिटिंग बड़ी क्लास है, तो मैं यहाँ से इनको ले लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से एम हसन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि इसमें कोई अच्छा प्लेयर हमें मिले जो हमें पॉइंट देखे। उस्मान खान शनवारी अगर ये खेलते हैं तो ये एक डिफरेंशियल पिक बनेगी, क्योंकि उस्मान खान शनवारी के जो रिकॉर्ड्स हैं पहले बड़े अच्छे हैं, किफ़ायदी रिकॉर्ड्स हैं सभी गेम के लिए। और मोहम्मद हसन को मैं यहाँ से लूँगा। उसके बाद मैं जेड महमूद को क्योटा ग्लैडियटर्स के लूँगा,
मैंने 5 बॉलर यहाँ पे लिए हैं। अब बैटिंग सेक्शन की बात करें तो बैटिंग सेक्शन पर मैं, जैसे हमारे उनकी बैटिंग आ गई जी पेशावर की, तो अगर आप इनके टॉप बॉलर को ले रहे हो तो इनका आपको टॉप ऑर्डर ड्रॉप करें। टॉप ऑर्डर में कौन है? फाफ डुप्लेसी हैं, ठीक है। लेकिन ये बात है कि फाफ डुप्लेसी क्योटा ग्लैडियर्स के ये एक दो मैच में फ्लॉप चलते हैं, लेकिन उसके बाद तो ये आप सबको पता ही है क्या करते हैं, ठीक है। कमरान अकमल हैं, कमरान अकमल को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। सरफराज अहमद हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो कभी कभार इनकी अगर टीम क्लैप्स करेगी जैसे अभी इस कम्बिनेशन में है तो आप इनको ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं चल रहा हूँ कि कमरान अकमल अच्छा खेल जाएँ तो ये आउट हो जाएँ या वो आउट हो जाएँ, क्योंकि मुझे इनके ओपनर्स लेने पड़ेंगे। अब मैं आप पेशावर की तरफ चलूँगा, ठीक है। अब पेशावर की हम बात करें तो पेशावर का कमरान अकमल ओपनिंग है, इमामुल हक हैं यहाँ पे, हैदर अली हैं, शोएब मलिक हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इनको प्रेफरेंस दिया, अगर उनके अगर तरफ जाना हो तो उस्मान खान है, फाफ डुप्लेसी हैं, जैक बैदरलैंड है, तो आप इसमें से किसी एक हो। जैसे मैंने डुप्लेसी को, मैं उस्मान खान को यहाँ से ड्रॉप करूँगा, ठीक है। ये हमारे उस्मान खान है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर इनको प्ले को आप ले लेते हो यहाँ से, ठीक है, अगर ये चल पड़ते हैं बाई चांस, तो आपको जीएल में काफ़ी अच्छा रैंक देके जाएंगे ये, ठीक है। जैक वेदरलैंड आप इनको मानते ही हैं, पहला मैच खेला और उन्होंने ताप तोड़ अपना प्रदर्शन दिखाया कि ये क्या कर सकते हैं, तो अब आप इनको देख के भी चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और कम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ। मैं सोच के जा रहा हूँ कि मुझे इनके बॉलर जो हैं पेशावर के, ये सभी काम करके दे रहे हैं, तो सभी का काम का मतलब हुआ कि ये ओपनिंग को ये कोलैप्स करेंगे। लेकिन मैं डुप्लेसी पे रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि डुप्लेसी एक दो बैच में मैंने देखा है इनको, ये थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं लेकिन उसके बाद ये बुरे मारते हैं बंदे को, ठीक है। तो मैं इनको लूँगा और मैं लेकिन वेदरलैंड को लूँगा, क्योंकि इनकी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। लेकिन पेशावर के साथ अगर मैं जानना चाहूँ तो पेशावर से मैं कमरान अकमल, इमामुल हक और हैदर अली हैं हमारे, यही हैं इसमें, ठीक है। कमरान अकमल को मैंने लिया हुआ है और इमामुल हक का भी ये खेल नहीं रहे हैं, तो उसके बाद हैदर अली हैं। तो हैदर अली तो आप सब जानते हो कि ये कैसा प्लेयर है, ठीक है। पिछले कुछ टाइम से इनकी परफॉर्मेंस में कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है कि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, लेकिन ये बहुत ही क्लास प्लेयर हैं और ये सेंचुरी मारू प्लेयर हैं, जैसे हमारे विराट कोहली हैं, जैसे अलग टीम के हर एक पहलू में अलग अलग टीम के साथ ये चल सकते हैं, तो ये कभी भी चल सकते हैं, ठीक है। आप इनके साथ इजली जा सकते हैं। मैं इसमें से कोशिश करूँगा कि हैदर अली को लूँ या जैक वेदरलैंड को इसमें से मैं ड्रॉप करके कोई और, जहाँ शेफ अंडर रदरफोर्ड को लूँ, तो वो आप चलते हैं। टीम पर व्यू हमारा इस टाइम इस प्रकार बनेगा कि हम ले रहे हैं इसमें से, आप मान के चलो कमरान अकमल को हमने लिया क्योंकि ये ओपनर है, ठीक है, ये ओपनर है। हम यहाँ पे उस्मान खान को ड्रॉप किया कि अगर वो ना चले तो, अगर वो ना चले तो ये प्लेयर हैं वो जो विकेट लेंगे, क्या बता रियाज ले जाए, ठीक है। वेदरलैंड हमने इसलिए रखा हुआ है कि अगर ओपनिंग ड्रॉप करेगा तो वेदरलैंड की बैटिंग आ जाएगी। डुप्लेसी अगर बाई चांस आउट होते हैं तो हमारे पास इनके बैट्समैन और हमारे पास जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स में से भी आप कैप्टन ले सकते हो कोई, क्योंकि ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे पास। क्योंकि अगर विकटें जाएंगी तो बहाव रियाज को आप कैप्टन ले सकते हो, ठीक है। अगर दूसरी तरफ से आपको वीसी लेना तो एम हसन को ले सकते हो। तो इनके अगर आप पेशावर की तरफ से जाओ तो यू असी भी अच्छा है, मोहम्मद इरफान है, तो ये प्लेयर हैं कभी भी चल सकते हैं क्योंकि इनको आप भूल नहीं सकते यहाँ से, ठीक है। तो ये थी इसके लिए एक टीम, आप इसको सेव कर सकते हो। मैं इसकी कैप्टनी अपनी दूंगा यहाँ से, अगर आपको रिस्क लेके चलना है तो आप चल सकते हैं। मैं वीसी दूंगा अपनी फाफ डुप्लेसी को और जैक वेदरलैंड, सॉरी हैदर अली को मैं दूंगा कैप्टनी, ठीक है। तो यहाँ पे से मैं इजीली यहाँ से मैं मैनिपुलेट करूँगा। तो अभी हम दूसरा कम्बिनेशन बनाएंगे यहाँ से, तो उसका हम कम्बिनेशन उल्टा करेंगे। इसमें हम मान के चल रहे हैं कि पेशावर की बैटिंग पहले आ रही है, तो हम क्वाड्रिलेटर्स के हम प्लेयर्स को ज़्यादा लेंगे यहाँ से, ठीक है। क्वाड्रिलेटर्स के मैं प्लेयर्स को यहाँ से लूँगा, मोहम्मद नवाज को लूँगा, रसल को लूँगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं फैबी एलन को लूँगा। उसके बाद क्वाड्रिलेटर्स के हमारे पास जो सबसे अच्छे प्लेयर हैं, मैं वो एम हसन को लूँगा यहाँ से, ठीक है, जो विकेट टेकिंग बॉलिंग कर सकते हैं, और जेड महमूद को लूँगा। उसके बाद अगर इनका की बॉलर अगर आपको लेना हो तो अब मैं वहाब रियाज के साथ नहीं जाऊँगा इसमें, मैं उस्मान आसिफ को लूँगा। देन बैटिंग सेक्शन में मैं यहाँ से उल्टा करूँगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटर्स की बैटिंग बॉलिंग आ रही है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटर्स विकेट ले रहे हैं, तो पेशावर्स के जो भी ऑलराउंडर होंगे, ओपनर होंगे, वो कोलैप्स करेंगे। तो इसके लिए हम साफ है कि उस्मान खान और डुप्लेसी हमारे क्वाड्रिलेटर्स के ओपनर हैं, ठीक है। इसमें कमरान अकमल हैं, इमामुल हक हैं, हैदर अली हैं, शोएब मलिक हैं, तो आप इनके साथ, मैं शोएब मलिक को लेकर चल सकता हूँ उसमें,
मैं इसमें एक डेविड मिलर को ऐड ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर क्लैप्स होते हैं तो यहाँ से ये चल पड़ते हैं। और जैक वेदरलैंड को लूँगा, यहाँ से मैं विकेट कीपर सेक्शन में जाऊँ, मैं सरफराज अहमद के साथ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक प्लेयर को सिलेक्ट करूँगा डुप्लेसी, क्योंकि मैं डुप्लेसी को नहीं यहाँ से कर सकता। तो ये एक टीम बनती है, अगर इसका प्रव्यू देखें हम टीम का, तो ये कैसी टीम है, ये बहुत अच्छी टीम लग रही है यहाँ से, क्योंकि ये विकेट टेकिंग बॉलिंग भी हम सिलेक्शन की हुई है, जो तीन तीन छः प्लेयरों की सिलेक्शन की हुई है, तो बीच में एक आध ओवर शोएब मलिक भी डाल देते हैं। तो यही बात थी हमारी इसमें से। और हम इसमें कैप्टनी जो अपनी देंगे वो देंगे हम अपनी नवाज़ को दूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि ये बॉलिंग करता है, ठीक है। नहीं तो आप रसल को दे सकते हो, फैबी एलन को दे सकते हो, और अगर बॉलिंग सेक्शन में अगर आपको जाना है तो मैं यहाँ से शोएब मलिक को वीसी दूंगा यहाँ से, ठीक है सर। दोस्तों तो ये मेरी टीम है, इसलिए आप इसी प्रकार से टीमें बना सकते हैं, देन बना के आप इजीली जीएल विन कर सकते हैं। कुछ एक दो प्लेयरों को आप उलट फेर कीजिए, देन आप इजीली जीएल विन कर सकोगे, ठीक है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छी लगे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।